नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता है वीरेंद्र बघेल जी। 2 साल पूरे हुए यहाँ पे विधानसभा चुनाव को, और यहाँ पे करीबन 20 से 25 वर्ष अपनी सेवाएं देने के बाद राजनीति क्षेत्र में लगन रखने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार ध्रुव यहाँ पे विधायक चुने गए। प्रवक्ता जी के साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2 वर्ष बाद एक बीएमओ ने जनता की नब्ज को कितना पकड़ा और कितना पकड़ने में कामयाब हुए, और जनता के प्रति उनका रुझान, लोगों के दिल में कितना प्यार अभी भी कायम है, कुछ बढ़ा या कुछ घटा। फिलहाल वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, सबसे प्रथम तो ये कहें कि सफल कार्यकाल आपके विधायक जी का यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार वाकई काफी अच्छे काम कर रही है, तो 2 वर्ष पूर्ण हुआ है और नया जिला भी है। आपकी लोगों की जब जिला बना हुआ, जिला गठन हुआ होगा, तो बहुत सी अपेक्षाएं तो हमारे सबसे प्रथम भूपेश बघेल की शासन मरवाही को क्या मिला और कितना मिला? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। और जिला के जब उन्होंने घोषणा की, उस समय यहाँ के जो विधायक थे स्वर्गीय जोगी जी जीवित थे, और उसी मंच में उन्होंने घोषणा की जिस मंच में जोगी जी बैठे थे। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने बिना राजनीति के हमारे गवरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया। जिला बनाने के बाद मरवाही निरंतर प्रगति उन्नति की पथ पर जा रहा है, और आज 2 साल पूरे हो चुके हैं माननीय विधायक जी के, तो निरंतर विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क हो, 26 से ज्यादा यहाँ पे सड़कों का निर्माण हो रहा है। आपका पेंड्रा से बरौर सड़क निर्माण, आपका सिमुनी से मरवाही सड़क निर्माण, आपका सेमरदरी से बैकुंठपुर चौड़ीकरण सड़क का निर्माण, आपका पेंड्रा से बस्ती बगरा सड़क निर्माण, 26 से ज्यादा सड़क निर्माण हो रहा है। आपका पुल निर्माण जो काफी वर्षों से देवगांव में पुल निर्माण नहीं हो रहा था, वहां निर्माण हो रहा है। आपका कई स्टाफ डैम बन रहे हैं, आपके कई यहाँ पीजी कॉलेज की अभी घोषणा माननीय भूपेश जी ने की है, उसके बाद आपका कृषि कॉलेज भी यहाँ बन रहा है। तो विकास तो हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, और लोगों में खुशी है छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से। योजनाएं भी बहुत अच्छे ढंग से हमारे क्षेत्र में। चलिए, मैं आपकी बात की मालिक की रोड काफी दिख रही थी, रोडों में काम चालू हो चुका है, काफी जगह रोड बन रही है और बहुत सारी घोषणाएं हुई है। घोषणाएं धरातल पे कितनी पहुंचती है तभी देखने का विषय है, कि घोषणाएं तो बहुत हुई, बड़े बड़े लंबे लंबे घोषणाएं, और चुनाव के समय में तो बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, कुछ ही जमीन पे दिखी। इतना के बाद भी जब मैं आप विधायक जी का कार्यकाल 2 वर्ष का पूरा हो गया है, अब अगले वर्ष उसी समय फिर नए विधायक सभा चुनाव आ जाएंगे, तो लेखा जोखा अगर देखे तो विधायक का कार्यकाल को जब मैं यहाँ जनता से बातें कर रहा था, तो एक देखने को मिलता कि विधायक से बहुत कुछ नहीं आते थे। ऐसा नहीं है, देखिए विधायक जी, मैं कहूंगा पूरे आपके छत्तीसगढ़ का मैं अगर लूंगा 90 विधायकों का, तो उसमें सबसे सक्रिय विधायक डॉक्टर के ध्रुव जी, वो सुबह से लेकर शाम तक निरंतर कार्य करते हैं, दौरों में रहते हैं। आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि वो रायपुर में 1 हफ्ता 10 दिन से घूम रहे हैं या गुलाबपुर घूम रहे हैं, या वो निरंतर क्षेत्रों का दौरा में रहते हैं। सुबह 7 बजे से वो जन सुनवाई सुनते हैं, लोगों की जितने भी क्षेत्र से लोग आते हैं उनकी जन सुनवाई सुनते हैं, गांव में जाते हैं, दौरा करते हैं। चलो ठीक, जन सुनवाई सुनते हैं, मगर एक बात यहाँ कहती है, जब वो जन सुनवाई करते हैं तो सुनते वो है लेकिन करते उनके दूसरे लोग। ऐसा नहीं है, देखिए अब ये आरोप तो विपक्ष लगाती रहती है, उन आरोपों में किसी प्रकार का कोई सत्य नहीं है, और विधायक बहुत ही विधायक विपक्षी ने कोई आरोप नहीं लगाया अभी तक। अगर आप देखिए कुछ न्यूज चली सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई, लेकिन किसी पक्षी ने उसपे कोई पूछ नहीं। बात जनता की है, जनता यह कहती है कि विधायक हमारा बड़ा सीधा साधा है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, आज तक तूने मेरा साथ निभाया, पर गणेश विनायक आई हॉस्पिटल ने ICL की मदद से सर्जरी कर तेरे साये से मुझे छुड़ाया। अब तू जा डस्टबिन में, चल निकल। ICL पद्धति केवल अधिक पावर वाले चश्मे को हटाने में मदद करता है। आइए गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और श्री गणेश कीजिए खूबसूरत नजारों का। आई हॉस्पिटल मतलब श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, ऑपोजिट कलर्स मॉल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। जो बोलो वो कर देता, जहाँ बोलो वो डॉक्टर से अभी ऊपर उठे, नेतागिरी उसमें आई,
का जो विधायक का मैं अगर पूछा हूँ लोगों के बात में, तो बाकी बड़े सीधे साधे हैं। डॉक्टर के ध्रुव पहले भी एक डॉक्टर जैसे थे, अभी भी वो डॉक्टर जैसे ही हैं। लोगों के पास पे जमीन पे बैठ जाते हैं, लेकिन जब बात काम की आती है तो कभी ना कहीं उनके आजू बाजू घूमने वाले कुछ चंद लोग हैं। ये जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, अन्ना विपक्ष कह रहा है, ये जनता कह रहा है कुछ लोग हैं, और उनके को पार करने के बाद ही विधायक जी के पास पहुंचना संभव होता है। कागज को लेकर एक प्रवक्ता के नाते आपकी टिप्पणी, ये मैं कहूंगा बिल्कुल गलत बात है। लोगों का काम है कहना, और डॉक्टर ध्रुव अपने कर्म से कार्य कर रहे हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और निश्चित तौर पर पब्लिक से मिलते हैं, पब्लिक का कार्य करते हैं, और उनके घर हाजिरी में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से विधायक जी बहुत ही सक्रिय है और क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी है, और 2023 में हम लोग इनके कार्यों को लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पर हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन विधायक जी के लेटर पैड कुछ जगहों पे अच्छी मिल जाते हैं। अब देखिए, तो आप इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, जब इसके पूर्व जो भी जी विधायक थे तो वो भी लेटर पेड उनका भी काफी बढ़ते रहता था। तो देखिए, विधायक जी हैं, लोग आते हैं उनके पास से, दूर दूर से लोग आते हैं, कोई लेटर पेड मांग रहा है कि मेरा ये कार हो जाएगा, तो ठीक है, वो दे देते हैं। उसमें कहीं क्या हर्ज है, किसी का उसमें कार हो जा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है। तो एक है, काम बहुत होता है आपके उसमें कांग्रेस शासन काल में, पर एक बात और भी लगती है बिना लेन देन के लिए। देखिए, ये तो आरोप है, विपक्ष का आरोप है, और इसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं है। हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है, और जो भी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रही है। लेकिन एक बात होती है, भारतीय जनप्रतिनिधियों के पास में ये निचले स्तर के जनप्रतिनिधि का भी कहना होता है, इवन सरपंच जैसे लोगों का भी कहना होता है कि अगर कोई काम को लेकर के जाया जाए तो बिना उससे लेन देन के काम होता नहीं है, फाइल आगे बढ़ती नहीं है। ये कांग्रेस का ही है कि केवल मरवाही में चल रहा है? नहीं नहीं, ये तो आप अगर पूरे देश में जाएंगे घूमेंगे तो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, इन आरोपों में कहीं कोई सत्यता होती नहीं है। और हमारे विधायक जी काफी सक्रिय विधायक हैं, और हम सबको उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हम 2023 में बड़ी जीत हासिल करेंगे। और इस तरह के आरोप तो विपक्ष लगाती रहेगी, चुनाव का समय है, चुनाव बचा है, तो इस तरह की तो चलते रहेगा। 2023 में भी डॉक्टर ध्रुव ही चुनाव लड़ेंगे? ये भी बिल्कुल लड़ेंगे, डॉक्टर ध्रुव ही चुनाव लड़ेंगे। और ये तो खैर हाईकमान का काम है, ये जो भी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट का वितरण होता है, लेकिन हम सबको उम्मीद है कि जिस तरह से उनका कार्य दो साल में उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है, सभी वर्ग को लेकर चले हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, सभी को लेकर डॉक्टर ध्रुव जी चले हैं। तो हम सबको उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में ही हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। वीरेंद्र जी, एक बात और आदित्य कहते, डॉक्टर ध्रुव आजकल पेंड्रा ज्यादा घूमते हैं। अब देखिए, हमारा जिला है पेंड्रा, पेंड्रा गौरेला मरवाही तीनों मिलाकर पेंड्रा वाले, और जिला प्रशासन के कार्य पेंड्रा में होते हैं, वो क्योंकि मुख्यालय है तो वहाँ तो विधायक जी को जाना ही पड़ेगा। काम भी कुछ पेंड्रा वाले हिस्से में ज्यादा हो रहा है, जो पेंड्रा हमारा ब्लॉक है, पेंड्रा को छोड़ के अगर आप पेंड्रा शहर को छोड़ के आप अगल बगल के गाँव देखेंगे तो विधानसभा है, मरवाही विधानसभा में आती है। एक मरवाही के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ध्रुव साहब आजकल वो ज्यादा काम कर रहे हैं जो कि कोटा विधानसभा के क्षेत्र पड़ता है, पेंड्रा वाले एरिया में ज्यादा काम होता है। अपना बहुत बड़ा मरवाही का जो विधानसभा है बहुत बड़ा है। ऐसा ऐसा एक मैं प्रवक्ता हूँ, आप जिला के हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या ऐसा भी कुछ आगे बनने वाला है? नहीं नहीं, कि अगर कोटा बदलना पड़े तो ध्रुव साहब कोटा चले जाएंगे? कोटा में हमारे विधायक नहीं है, कांग्रेस के जो भी कांग्रेस के विधायक है, तो वहाँ के अगर कार्यकर्ता विधायक जी को बुलाते हैं तो जाते हैं, उसमें जाने में कोई हर्ज नहीं है। और काम भी अगर वहाँ पहुंचे तो फाइल आगे बढ़ जाती है, काम हो जाता बिल्कुल। अगर कोई वहाँ के कार्यकर्ता आते हैं और कुछ काम कराने के लिए आते हैं तो विधायक जी निश्चित तौर पर उनका कार्य करते हैं। चलिए, एक मुख्यमंत्री जी की आधारभूत और बड़ी सोच की योजना करी, मैं फिर आ जाऊंगा हमारी बात एक बार और होगी वीरेंद्र भाई। लेकिन अभी भी देखा जाए तो गौ वंश जो है वो एक तो रोड में बैठा रहता है। मैं जब यहाँ पे घूम रहा था तो ये देखता हूँ कि जो हम लोगों ने गौठान बनवाया है वो गौठान गांव से काफी दूर रहता है,
भाइयों से जब बात की गाँव की तरफ, तो बोले उतना दूर तक हम जानवर छोड़ने जाए फिर उनको लेने जाए, हमारा समय ही खराब हो जाता है, फिर वहाँ रखती नहीं पाते। देखिए क्या है, गौठानों की अगर आप दूरी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई सरकारी जमीन भी चाहिए, कहीं गौठान बनाना है तो एक 4-5 एकड़ की उसका एरिया चाहिए, जमीन चाहिए, तो जहाँ पर जमीन उपलब्ध होती है वहाँ पर गौठान बनती है। गौठान मैं कहूँगा बहुत सक्सेस योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, 15 साल आपने हमने हम सबने देखा कि बीजेपी सरकार में केवल गायों में राजनीति होती थी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने गायों को संरक्षण और समर्थन करने का कार्य किया है और ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है। आजकल तो महिलाएं भी इसमें कार्य कर रही हैं समूह के माध्यम से, तो रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, ये योजना बहुत अच्छी है और निश्चित तौर पर मोदी जी सराहना की है। बिल्कुल बिल्कुल योजना की सराहना की है और इसके लिए आपकी सरकार बधाई के पात्र है, हमारी सरकार बधाई के पात्र है, भूपेश जी को भी हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बातें रखती है गौ वंश संवर्धन की बात आती है, दो प्रश्न आपसे रहेंगे। पहला, अभी हाल में ही कुछ खबर अपनी चालू हुई कि गौ वंश का तस्करी मरवाही के बॉर्डर से होना चालू हुआ है, एक पहला। दूसरा ये है कि इतना अच्छा काम चल रहा है मगर कुछ लोगों के माध्यम से कमेटियां प्लेट किया जाता है कि जब खाद उठाने की बारी आती है उठाई नहीं जाती, उसमें मिलावट हो जाती है, इसकी रोकथाम को ध्यान देना। ये तो एक मैं कहूंगा आरोप है और हम ये सब दे हैं, हम जानकारी में अभी तक ये नहीं है कि गांव मांस की तस्करी यहाँ होती है, लेकिन प्रशासन अभी आपके पड़ोस में दुम्मट वाला से खबर है, ये वो दुम्मट वाला की बॉर्डर मध्य प्रदेश का बॉर्डर है तो क्या, और निश्चित तौर पर वहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे प्रशासन किस तरह से कार्य कर रही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे वहाँ मध्य प्रदेश का बॉर्डर है लेकिन जो एरिया है वो भी कांग्रेस का ही है, डिम्बा लगने वाला एरिया बरिंदर का आता है, विधायक भी कांग्रेस का है। अगर कहीं पर अगर इस तरह की आती है तो हम निश्चित तौर पर पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे, इस तरह की घटना न हो, क्योंकि अगर ये घटना हो रही है तो गलत है। बिल्कुल हम प्रशासन को जानकारी देंगे अगर इस तरह की घटना होती है, पुलिस प्रशासन की भी जानकारी होगी। मगर एक चीज आती है खाद का जो बात आपने किया, एक अच्छा है कि वर्गी सब खाद वगैरह बनना चालू हो रहा है, जो अच्छी योजना जिसके प्रधानमंत्री जैसे हम इसके प्रशंसा की, मगर इसमें जो किसानों का जो खाद है वो सही समय पर पहुंच नहीं पाता, ये शिकायत है। ये थोड़ा बहुत शिकायत तो आती रहती है लेकिन ये कार्य आप देखेंगे कि समूह के माध्यम से कार्य हो रहा है और पूरा सोसाइटी में भी जा रहा है, आप बहुत उच्च क्वालिटी की खाद उपलब्ध हो रही है जितने भी सोसाइटी से, तो धीरे धीरे ये योजना पहल पर है और आने वाले समय में मैं कहूंगा कि ये इतनी बड़ी योजना हो जाएगी कि आप देखेंगे कि ये पूरे भारत वर्ष में सभी राज्य सरकार इसको अपनाएगी। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। मैं वापस मरवाही में आ जाता हूँ, मरवाही में ही पंचायत भी है और यहाँ पे एक अवैधानिक तरीके से अवैध तरीके से कुछ दुकानों का निर्माण कराया गया सरकारी भूमि पे, उस पे कोर्ट का निर्णय भी आ जाता है, कार्रवाई का आदेश भी हो जाता है, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाती मेरे को जबकि सरकार आती है, ऐसा क्यों होता है? अब न्यायालय से बड़ा क्योंकि देखिए वो सरपंच जी बीजेपी के हैं और बीजेपी कांग्रेस से वो वहाँ कोई मतलब नहीं है। अब देखिए न्यायालय का मामला है, नहीं बोल सकती सरपंच बीजेपी का है, सरपंच बीजेपी का है, सरकार तो आपकी है, आपको तो फौरन एक्शन लेना चाहिए था। अगर ऐसा एक्शन तहसीलदार साहब ने एक्शन दिया तो उसमें कार्रवाई किया था, वो कुछ न्यायालय का उन्होंने वहाँ सिस्टम है, तो ये न्यायालय प्रकरण है जिसमें हमारा बोलना तो आप लोग तो एजुकेशन तो करना चाहिए चीजों के लिए, अगर सरकार की जमीन है आप बोल रहे सरकार की जमीनें कम है वहां पे, और यदि कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के आरोप में आ रहा है वहां पे अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण हुआ है और गिरने का आदेश आ जाता है, कार्रवाई का आदेश आ जाता है, तो कांग्रेस लोग चुप क्यों रहते हैं? बिल्कुल, अगर वो न्यायालय से अगर यहाँ पर रिपोर्ट आएगा तो हम बिल्कुल कहेंगे कि इसमें कार्रवाई की जाए और हमारी सरकार इस तरह के कार्यों को बर्दाश्त नहीं करती, और अगर SDM साहब के पास रिपोर्ट आएगी हाई कोर्ट से तो हम सब माननीय विधायक जी भी बोलेंगे कि उसमें कार्रवाई करें। चलिए उम्मीद करते हैं। को अब एक और प्रश्न रहेगा
जो बिल्कुल डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। सब कुछ मिल जाए, अगर स्वास्थ्य ना मिले तो कुछ नहीं मिलता। सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य की होती है। इतने साल बाद भी मरवाही अस्पताल की स्थिति बहुत अच्छी है। विधायक एक चिकित्सक होने के बाद भी अभी तक कुछ बदलाव अपने को देखने को नहीं मिला मरवाही अस्पताल में। देखिए, मैं कहूंगा कि सुधार होगा। सुधार ये हो रहा है कि आप अभी देखेंगे तो स्टाफ की संख्या भी बढ़ गई और साफ सफाई से लेकर इलाज भी बढ़िया हो रहा है। पहले आप देखे होंगे कि काफी रिफर होते थे बिलासपुर, आपके रायपुर रिफर अब कम हो गए हैं। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया सही होगी और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सुचारू रूप से मरवाही अस्पताल एक बढ़िया अस्पताल के रूप में हम लोग सब देखेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपको। वैसे ये थे वीरेंद्र बघेल जी, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं। यहाँ पे बहुत से प्रश्न में हमने इनको घेरने की कोशिश की, बड़े सफाई के साथ इन्होंने सरकार का पक्ष रखा और अपने विधायक को भी बचाते हुए नजर आए हैं। जहाँ तक विपक्ष की बातें आई, कुछ प्रश्न पूछे गए कार्रवाई के संबंध में, आश्वासन तो दे रहे हैं कि जल्द ही SDM के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, विधायक के माध्यम से जो भी गलत कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो पार्टी का व्यक्ति हो या विपक्ष की पार्टी का व्यक्ति हो, दोनों पे कार्रवाई के लिए वीरेंद्र बघेल आगे आएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। आगे हम और भी वीरेंद्र जी से बात करते रहेंगे, जब जब मौका मिलेगा वीरेंद्र जी को बुलाते रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशन पे। अगले विषय के साथ फिर मिलूंगा मैं आपके साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।